रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की सेकेंड ईयर की छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप से आहत होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। देखिए रिपोर्ट। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की सेकेंड ईयर की छात्रा से हुए गैंगरेप के चारों आरोपी आनंद मिंच, तरुण किंडो, जेम्स बा और शशि उरांव को रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि छात्रा की मां की ओर से सुसाइड के बाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें गैंग रेप से आहत होकर छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया था। बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके ही दोस्तों ने 6 मार्च को रांची के कोकर इलाके में बहला फुसला कर बुलाया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया। किशनपुर में एक डेड आत्महत्या की घटना हुई थी, जिसमें सदर पुलिस ने एक केस दर्ज किया था, जिसमें बाद में प्रकाश में आई कि ये मामला गैंग रेप का है। इस पर सदर और मैं डीएसपी मेरे द्वारा और सदर थाना प्रभारी के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई। सीनियर एसपी के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठन की गई थी, जिसके साथ काम किया गया और इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसआईटी की टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पीड़िता के दोस्त बताए गए थे और शराब के नशे में पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन विकी के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इस मामले की पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, छात्रा आहत होती है और खुदकुशी कर लेती है, जिसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरिंदगी से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक की पूरी कहानी विस्तार से दर्शकों को बताएं। बीएयू की छात्रा थी, जो कि इस पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब छात्रा ने ना सिर्फ आत्महत्या किया बल्कि आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी जो है परिजनों को बाद में बरामद होता है। सुसाइड नोट में साफ शब्दों में कहा गया कि सुसाइड के पीछे के जो लोग हैं, जो कहानी है, वो कौन कौन से लोग जिम्मेवार हैं और किनके वजह से आज वो इस दुनिया जाने के लिए बेबस है, क्योंकि वो जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे। इस तरह की कई लाइनें जो थी वो सुसाइड नोट में लिखी हुई थी। इस पूरे मामले में जो है जब रांची पुलिस के संज्ञान में आया, रांची पुलिस ने पूरे मामले को ना सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि इस पूरे मामले में रांची एसएसपी के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में सदर डीएसपी के साथ साथ सदर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को रखा गया। इस पूरे मामले की जब जांच की गई तो जांच के क्रम में एक के बाद एक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि रांची सहित अन्य जगहों के रहने वाले थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जब कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो पूरा मामला प्रकाश में आया कि ज्योति को जो है वो अपने पहले से, चूंकि सभी लोग आपस में जान पहचान के थे, ऐसे में युवती को जब अपने पास बुलाया गया, इस दौरान जो है उसे शराब पिलाई गई, शराब पिलाने के बाद जो है उनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। और फिर इस पूरे मामले में जबकि युवती ने इस पूरी घटना का विरोध किया था, इस विरोध करने के बावजूद जो दरिंदे हैं वो रुकने का नाम नहीं लिया और अपने मंसूबों में उस वक्त कामयाब हो गए। जब वो वापस अपने घर लौट गई और जब इस पूरे मामले को लेकर के वो काफी डिप्रेशन में चले गए और फिर इस पूरे मामले में उसने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना के बाद से ही इस पूरे मामले पर जैसे ही सुसाइड नोट मृतक के परिजनों के उनके जो छात्रा है उसके कमरे से बरामद किया गया बाद में, और वो सुसाइड नोट को सदर थाने पुलिस को सौंपी गई और फिर जाकर के इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस को जुटाते हुए, चूंकि पूरे घटना में पुलिस को यह भी देखना था कि जिन 4-5 लोगों पर यह पूरा मामला आरोप लगाया गया है, क्या वो सभी घटना के दिन एक ही जगह पर उपस्थित थे या नहीं थे, तो टेक्निकल टीम ने जब इस पूरे मामले पर एनालाइज किया, जांच की, तो मालूम चला कि सभी एक जगह पर मौजूद थे। तभी सभी से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो सभी लोगों ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि हाँ, उसने छात्रा के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल पुलिस ने सभी दरिंदों को गिरफ्तार करने के बाद इनको सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे मामले में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया और सच सामने आ गया, गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लाइक एंड
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।